एक नई साक्षी, सफाई तो हो गई है, लेकिन अब हम क्या करें? फिलहाल तो यहाँ कोई काम नहीं है, पर एक बार शाम को आकर चेक कर लेना, शायद तब तक हम कुछ कर पाए। ठीक है, हम लोग शाम को आते हैं। अब हम क्या करेंगे? माँ, सच में मुझे लगता है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। नल अपने आप तो नहीं खोल सकता ना। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? पता नहीं माँ, लेकिन इतना पता है कि ये सब किसी ने किया है। बेटा, इतना बड़ा नुकसान, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कैसा पूरा करेंगे? माँ, ना पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं अपनी मम्मा से बात करती हूँ। नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तेरी माँ से पैसे थोड़ी ले सकते हैं हम। क्यों माँ, उनसे लोन ही तो लेंगे, हम सारे पैसे वापस कर देंगे, वक्त आने पर अपने ही तो काम आते हैं ना। बेटा, तेरी बात सही है, पर मेरा मन नहीं मानता। माँ माँ, मुझे बताइए, अगर कल को मेरी मम्मा मुसीबत में होगी तो आप उन्हें हेल्प नहीं करेंगी? आप उनकी मदद नहीं करेंगी? हाँ, जरूर करती। तो अगर आप उनकी मदद कर सकती है तो उनसे मदद ले क्यों नहीं सकती? इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो ऑर्डर पूरा करना है। उसके लिए सिर्फ 3 दिन है हमारे पास। ये वक्त फॉर्मेलिटीज के बारे में सोचने का बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी मम्मा को फोन करती हूँ। मैडम, प्लम्बर। आइए आइए, मेरे साथ आइए माँ, मैं प्लम्बर का काम करती हूँ। आइए। और जो बड़ा सा काला टेबल था, उसने दिया को पकड़ लिया। दिया बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, मेरा स्ट्रांग बच्चा। मामा। हाँ दादी। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई। वाह, गिफ्ट तो मुझे बहुत पसंद है। ये डॉल तो एकदम मेरा से प्रिटी दिखती है। इधर आ, बैठ मेरे पास। तू ठीक तो है ना? ठीक नहीं हूँ दादी, ठीक तब होती जब मम्मा यहाँ होती, मैं खुश नहीं हूँ दादी। उस ऑफिस में काम करते वक्त मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही हूँ। सब कहते हैं ये जॉब छोड़ दो, पर कैसे छोड़ दो? मेरा घर है, दिया है, मेरा करियर है, मेरा फ्यूचर है, मैं नहीं छोड़ सकती ये जॉब। समझती हूँ बेटा, मैं सब समझती हूँ, तो दिया की चिंता मत कर, मैं उसे संभाल लूंगी। तू जा, जा जाके काम कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। तुम खाना बनाने में लग गई? अरे नाश्ता नहीं बना अभी तक? साहब ये खाएंगे, नाश्ता क्या करेंगे? वो तो ऑफिस के लिए लेट हो रही है। मेरे नानू को ये खाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि मेरे नानू को मेरे नानी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। कौन है ये क्यूट प्रिंसेस? दिया किसी गंदी रूम का अपना नाम नहीं बताती, मुझे सब पता है। एक तो आपने मेरी नानी को भी घर से बाहर निकाल दिया, और ऊपर से आपने ऑफिस में मेरी मम्मी को भी डांटा था ना, सब पता है मुझे। अच्छा, तो तुम लतिका की बेटी हो। चॉकलेट चाहिए? फ्रेंड्स? मुझे अपनी फ्रेंडशिप भी नहीं करनी, ना चॉकलेट चाहिए। दिया, ये क्या कह रहे थे तुम? दादी, वो गंदी वुमन है ना। छी, पड़ोस से ऐसे बात करते? ये सिखाया तुमको हमने? हाँ, कोई बात नहीं माँ जी, बच्ची है, रहने दीजिए।
दोष तो किसी का भी नहीं है। दोष अगर है तो सिर्फ मेरे बेटे का है। हाँ शनाया। हेलो मॉम, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या? आपकी दुश्मन आपसे हार गई मॉम। अब शारदा ना मीता आंटी को कोई सारी डिलीवर नहीं कर पाएगी। सारी की सारी साड़ियां बर्बाद हो गई। क्या शनाया, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां जाने के लिए। कम ऑन मॉम, आपको लगता है आपके मना करने के बावजूद मैं ऐसा कुछ करूंगी? मैंने कुछ भी नहीं किया मॉम। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू बेटा। अगर तुमने कुछ किया होता ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। खैर, उनका नुकसान मेरा फायदा। मॉम, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है। इट इज द राइट टाइम टू कॉन्टेक्ट मीता आंटी। मीता आंटी को फोन कीजिए और वो कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लीजिए। तुम जल्दी से निकलो वहां से। सॉरी मॉम, लेकिन अगर मैं इस तरह बिना कोई रीजन वहां से जॉब छोड़ दूंगी तो वो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा ना। इसलिए मैं यहाँ वापस आई। मॉम, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बेटा, टेक केयर। बाय मॉम, लव यू। बाहर क्या कर रही है? अंदर कितना काम है। चल जाके सबकी मदद कर। थैंक गॉड उसने सुना नहीं, वरना बेकार में ही एक नया सीन क्रिएट हो जाता। नमस्ते मीता जी। नमस्ते शारदा जी, बैठिए। I'm so sorry शारदा जी, आपकी फैक्ट्री के बारे में पता चला। जी हाँ, यही कि रात को आपकी फैक्ट्री में पानी भर गया, सारे कपड़े खराब हो गए, आपको प्लम्बर को बुला के सब कुछ ठीक करवाना पड़ा। आपका तो इंश्योरेंस भी नहीं है। मीता जी, आपको इतना सब कुछ कैसे पता चला? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है शारदा जी, आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है, सबकी निगाहें आप पे हैं, स्पेशली मेरी, क्योंकि मैं जिसके साथ भी बिजनेस करती हूँ ना उसके बारे में पूरी जानकारी रखती हूँ। लेकिन आपको बताया किसने? I'm so sorry शारदा जी, अपने बिजनेस सोर्सेस के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे आपको मुझसे क्या चाहिए? विश्वास। आपने अब तक कितना विश्वास किया है मुझ पर, बस हमें एक और मौका दीजिए, हमें एक हफ्ते की और मोहलत दे दीजिए। शारदा जी, मैं आप पे पहले भी विश्वास करती थी, अब एक बार फिर करती हूँ, लेकिन ये आखिरी मौका होगा। अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाकर मैं आपको एक हफ्ते का टाइम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी, अब दोबारा हम आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मैं अभी निकल रही हूँ। या आई एम सो सॉरी शारदा जी, मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। नहीं प्लीज आप बैठिए, चाय पी के जाइएगा। नहीं नहीं उसकी प्लीज शारदा जी, मैं किसी को बोलती हूँ चाय पीने के लिए। सी यू। तुम जैसी बड़ी बिजनेस वुमन को देख लिया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मीता जी बाहर गई हैं। आप शारदा ना मीता आंटी को कोई सारी डिलीवर नहीं कर पाएगी, सारी की सारी साड़ियां बर्बाद हो गई। तुम्हारे फैक्ट्री के बारे में पता चला, बहुत बुरा लगा। एनीवे अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? एक फैक्ट्री ही तो थी, वो भी भगवान भरोसे। तुम्हें मेरी फैक्ट्री के बारे में कैसे पता चला? कम ऑन शारदा, तुम शायद भूल गई कि तुम मेरी जिंदगी में अब नहीं रही,
लेकिन तुम्हारी परछाइयां हैं मेरे आसपास, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, इन सबको तुम मेरे पास तो छोड़ ही गई हो। एनीवे, लतिका ने मुझे बताया, बहुत टेंस थी वो। मैं समझ सकती हूँ शारदा, तुम इतनी बड़ी डिलीवरी टाइम पर नहीं कर सकोगी, हमें करने दो। तुम्हें तो अपना नाम खराब होने का कोई डर नहीं है, तुम्हें तो मार्केट में कोई जानता भी नहीं, डर तो हम जैसी कंपनीज को होता है। सोच लो शारदा, कैसे संभालोगी तुम? मैं जानती हूँ शारदा, तुम्हारे बेटे का भी काम नहीं चल रहा है और तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, अपने बिल्स कैसे पे करोगी? यू नो, फोन के बिल्स, घर का रेंट, घर का राशन, ये सब कैसे करोगी तुम? हम जब तक दूसरों के पैसे पर होते हैं ना, हमें पैसों की कदर नहीं होती, और अब ये सब तुम्हें ही मैनेज करना है, कैसे करोगी तुम? ऊपर से परेशानियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही, फैक्ट्री में पानी भर गया। देखो शारदा, तुम्हें मेरी मदद की कोई भी जरूरत हो तो हिचकिचाना मत, पूछ लेना जरूर। तुम प्रोडक्शन नहीं कर पाओगी तो हमें करने दो, हम प्रोडक्शन कर लेंगे। जब जिंदगी बिखरने लगे तो उसे किसी और के हवाले नहीं किया जाता, उसे खुद संवारने की कोशिश की जाती है। मैं भी अपनी बिखरी जिंदगी को खुद ही संवार लूंगी। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कैसे भी करके टाइम पर ही ऑर्डर पूरा करना है। बड़ी मुश्किल से हमें एक और मौका मिला है, इस मौके को हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। चाहे सारी सारी रात काम करना पड़े, पर हमें ये करना ही होगा। साक्षी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर इस फैक्ट्री के फायदे में हम सब शामिल हैं तो इसके नुकसान के भी हम ही जिम्मेदार हैं, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, है ना दोस्तों? हम जी जान लगा देंगे और ये ऑर्डर टाइम पर ही पूरा होगा। हाँ लतिका। मामा, मुझे आपकी फैक्ट्री के बारे में अभी पता चला। लतिका ने मुझे बताया, बहुत टेंस थी वो। अच्छा छोड़िए, आप मुझे बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। तुझे अभी पता चला है? हाँ मामा, मुझे बस अभी अभी करण ने बताया। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं बाद में फोन करूंगी। जी ठीक है। लतिका कह रही है कि उसे अभी पता चला है, पल्लवी ने तो कहा था कि उसे लतिका ने बताया है। कल रात को फैक्ट्री किसने बंद की थी? शनाया ने। शनाया? शनाया, कल रात फैक्ट्री तुमने बंद की थी? हाँ मैंने ही बंद की थी, लेकिन मेरे साथ दो औरतें भी थी और मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया था, कहीं पर कोई भी टैप कुछ लीक नहीं कर रहा था। हो ही नहीं सकता, मैंने किया था। मैं आई एम श्योर तुमने ठीक से चेक बिल्कुल नहीं किया हो। मोबाइल पर हाउ कैन यू बी सो इरेस्पॉन्सिबल? साक्षी बेटा, इसे मत डांट। कल रात को मैंने भी सब चेक किया था, हो सकता है ये गलती से हो गया हो। लेकिन माँ। साक्षी अभी जाने दे, चल सब काम पे वापस लग। ओह गॉड, मॉम के इतने सारे मिस कॉल्स। मैम यही थी, कहीं उसने देखा तो नहीं?
शायद नहीं देखा होगा, नहीं तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करती। एनीवेज आपने मुझे कॉल क्यों किया? शनाया तुम कहाँ हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारी माँ तुम्हें कब से फोन कर रही थी? Don't tell me हाँ कि आपको मेरी चिंता हो रही है। And yes, मॉम को दिखाने के लिए ना, I am so caring वाला attitude तो प्लीज आप छोड़ ही दीजिए। आपको पता है मॉम ने स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से अपनी जान लेने की कोशिश की। उस वक्त कहाँ थे आप? हाँ? What? स्लीपिंग पिल्स? प्लीज किसी के जीने से या मरने से ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मेरे लिए मर चुके हैं आप। शनाया हम तो अभी काम शुरू कर रहे हैं, हमारा काम तो बहुत छोटा है, यहाँ तो क्या सीखेगी? यहाँ काम करके ही तो मेरा असली फायदा है। मैम प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दीजिए मैम, मैं अपनी माँ की हेल्प करना चाहती हूँ मैम, मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ काम मिला है, प्लीज मैम मुझे मत निकालिए यहाँ से। हेलो मॉम। शनाया, शनाया कहाँ हो तुम? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? आई एम सॉरी मॉम, वो एक्चुअली फोन ना मॉम पर्स में था, तो आपका फोन कब आया मुझे पता ही नहीं चला। शनाया तुम जानती हो तुम मेरी वीकनेस हो, इतनी देर से मेरे मन में पता नहीं कितने बुरे ख्याल आ रहे थे, दोबारा ऐसा मत करना प्लीज। नेवर मॉम, मैं कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम। ओके जल्दी घर आ जा। मॉम आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। रात को फैक्ट्री किसने बंद की थी? शनाया ने। मेरा दिल कह रहा है कि आप उसे यहां काम पर रखकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हे भगवान, साक्षी का शक ठीक निकला, इन सब के पीछे जरूर शनाया का ही हाथ है, लेकिन क्या कहूं मैं इस बच्ची से, इसे तो ये भी नहीं पता कि ये जो कर रही है वो गलत है, इसे लगता है कि मैंने इसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की है और ये उस बात का बदला मुझसे लेना चाहती है, और पल्लवी उसको तो शायद पता भी नहीं है। हे भगवान, इस बच्ची की मदद कीजिए, इसे सही रास्ता दिखाइए। अक्सर हम अपनी जिंदगी में कोई खास चीज खो देते हैं, तो चाहे जिंदगी में हमें सब कुछ मिल जाए पर उस चीज की कमी हमेशा महसूस होती है ना, इसलिए हमें अपनी खास चीजों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, उनके लिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये तो गहना है, ये खो गया तो इस जैसा दोबारा फिर से बन सकता है, लेकिन
अगर हमारे अंदर की मासूमियत, हमारा भोलापन खो जाए तो वो दोबारा कभी नहीं आता। इसलिए हमें उसे बहुत संभाल के रखना चाहिए। इसलिए मैंने ये चेन यहाँ रखती है। भगवान करे जिस किसी की खो गई है उसे ये मिल जाए, और जिस किसी ने अपना रास्ता खोया है भगवान उसे सही रास्ता दिखाए। माँ, मैंने मम्मा को फोन कर दिया है, वो कल आएंगे पैसे लेकर। साक्षी बेटा, पता नहीं मुझे अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे करण सो गए, ये भगवान, उन्होंने मुझे बहुत बार कॉल किया था माँ, इतने सारे मिस्ड कॉल थे, मैं वापस कॉल करना भूल ही गई। देख आज भी जॉब नहीं मिली, सॉरी। देख करण ने हमारे लिए खाना लगा के रखा है, कितना ख्याल रखता है ना मेरा बेटा हम दोनों का। माँ कहीं वो मुझसे नाराज होके सो तो नहीं गए ना, कि मैंने उनके कॉल रिटर्न नहीं किए। बेटा करण बहुत समझदार लड़का है, वो समझ गया होगा कि तू काम में बिजी है, तू चिंता मत कर। अच्छा मैं मुंह धो के आती हूँ। I'm so sorry, आपका फोन नहीं उठाने के लिए। और आज आपको जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, जॉब आपसे कब तक भाग कर जाएगी? मैं हीरो मीता, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों नहीं दे सकती? तुम्हें पटोला साड़ी बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मीता? मैं ट्रेन्ड वर्कर्स हायर करूंगी जो ये काम अच्छी तरह जानते हो। पल्लवी ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लूं मैं तुम्हें? तुम शारदा पर ट्रस्ट कर सकती हो, जिसे बिजनेस का बी तो क्या पढ़ाई का ए बी सी तक नहीं आता, और तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? पल्लवी मैं तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, इसीलिए तुमसे ये कहना चाहती हूँ, आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही हो मिस्टर मोदी और शारदा जी को लेकर। ऐसी बात नहीं है मीता, सिंपल सी बात है, मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती हूँ। तुम्हारी गिनती शहर के बड़े कंपनीज में आती, तुम्हारे साथ कौन नहीं करना चाहेगा बिजनेस, मैं भी करना चाहती हूँ। ठीक है पल्लवी, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। प्लीज मीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मीता डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूं। वैसे भी वो शारदा की फैक्ट्री में छोड़ रही, साक्षी का बियर्ड लुक में मैं और झेल नहीं सकती। लेकिन फैक्ट्री छोड़ने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट करूं, शारदा के वॉलपेपर। शारदा के पास अब कुछ नहीं बचेगा, और मीता आंटी को ऑर्डर आपको ही देना। हेलो, लाइसेंस ऑफिस। आइए ना माँ, आइए, ये है हमारा घर, वो हमारा किचन है, और यहाँ मैं और करण सोते हैं और मॉम वहां सोती है, वो हमारा वॉशरूम है। मॉम आई नो थोड़ा सा छोटा है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी कंफर्टेबल, और आसपास मार्केट भी है, सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। और आपको पता है माँ ने ना इतनी जल्दी इतने कम टाइम में फैक्ट्री सेटअप कर लिया। माँ आपसे मिलना चाहती थी पर उन्हें फैक्ट्री के लिए निकलना पड़ा, बहुत काम है ना वहाँ। नमस्ते, कैसे हो?
और काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, काम अच्छा नहीं चल रहा, मेरा कोई काम नहीं चल रहा, जॉबलेस हूँ, जॉब की तलाश कर रहा हूँ। साक्षी, इतना सब कुछ हो गया तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मॉम, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, और सब कुछ तो ठीक है, और जो नहीं है ना वो हो जाए। रियली? कैसे ठीक होगा साक्षी? मुझे नहीं पता था तुम लोगों की कंडीशन इतनी खराब है। एनीवेज करण, तुम मुझे मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हो, मैं अपने किसी भी ब्रांच में तुम्हें काम दिलवा सकती हूँ। थैंक्स, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा, मैं मॉम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। करण, मैं तुम्हारे सेंटिमेंट्स को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को इस हाल में भी नहीं छोड़ सकती। साक्षी ने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है और शारदा जी अपना घर छोड़कर आई है, वरना मैं तुम लोगों को इतना स्ट्रगल करने नहीं देती, अपने साथ अपने घर ले जाती। मॉम, मैं आपका कंसर्न समझ सकती हूँ, लेकिन हम मैनेज कर लें। कैसे साक्षी, कैसे मैनेज करोगे? करण के पास जॉब नहीं है, तुम लोगों के पास पैसा नहीं है, और करण तुम अपनी पत्नी को इतनी सी झोपड़ी में लाने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था ना। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक्सक्यूज मी करण, गॉड, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी बेटी को इतने कंफर्ट के साथ पाला था? क्या करूं मैं, ये दोनों बच्चे हैं, कुछ भी नहीं समझेंगे। मुझे शारदा जी से बात करनी है, साक्षी को इस हाल में नहीं देख सकती। शारदा जी, अरे पद्मा जी, नमस्ते, आइए ना, माफ कीजिए, सुबह घर पे मैं आपका इंतजार नहीं कर पाई, मुझे यहाँ फैक्ट्री पे वक्त पे आना था। आइए बैठिए, कैसी हैं आप? मैं जैसी थी वैसी ही हूँ, लेकिन आपने ये क्या किया? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में दिया था? साक्षी मेरी एक लौती बेटी है, बहुत ही प्यार और ऐशो आराम से पाला है उसे मैंने, इसके लिए नहीं कि वो दर दर की ठोकरें खाए। क्या हाल बना दिया है आपने उसका, आपने घर छोड़ा और साथ में मेरी बेटी को भी ले आई, एक बार भी नहीं सोचा कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। पद्मा जी, साक्षी तो अपनी मर्जी से मेरे साथ है। शारदा जी प्लीज, वो एक बच्ची है, लेकिन आप तो बच्ची नहीं है ना। शारदा जी, आपके साथ जो भी हो वो बहुत ही बुरा, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये सब करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? क्या आप एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकती हैं? होश में आइए आप, मैं खुद एक बिजनेस वुमन हूँ, और अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या आप इस उम्र में ये सब कर पाएंगी? शारदा जी, इंसान के लिए अपनी पहचान होना ज़रूरी है, और उसके लिए एक वक्त होता है, लेकिन वो वक्त निकल जाने के बाद इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, अपनी पहचान नहीं बना सकता। आप मिसेज शारदा मोदी हैं, और यही आपकी पहचान है, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, अपनी ये पहचान आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी जिद के चक्कर में आपने मेरी बेटी की जिंदगी में परेशानियां भर दी हैं। कुछ तो सोचा होता आपने। शारदा जी प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए, ये 15 लाख का चेक है, साथ
सक्षी ने मुझसे कहा था आपको पैसों की जरूरत है, मैं उसकी बात नहीं डाल सकती। पद्मा जी, शायद आपने सही कहा, करण और साक्षी को यहाँ लाकर मैंने शायद गलती की। ये मेरी खुद की लड़ाई है और ये मुझे अकेली लड़नी चाहिए। शायद मैं वो सब कुछ ना कर पाऊँ जो मैं करना चाहती हूँ। शायद मैं कभी खुद की एक नई पहचान ना बना पाऊँ। लेकिन पद्मा जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। शारदा जी प्लीज, मैंने आपसे जो भी कहा वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कहा है। देखिए, अगर मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। बिल्कुल नहीं, मैं भी एक माँ हूँ और आपका लगाव मैं समझ सकती हूँ, लेकिन लेकिन आपसे पैसे नहीं ले सकती मैं। ठीक है, आप चेक नहीं लेना चाहती तो मत लीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों के साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा जो भी है वो साक्षी और करण का ही तो है ना। देखिए, वो दोनों मेरी बात नहीं मानेंगे, आप प्लीज उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया पद्मा जी, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। हाँ, साक्षी आपकी बेटी है, आपको उस पर पूरा हक है, वो चाहे तो आपके साथ जा सकती है। माँ, आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी? ये पैसा, ये कंफर्ट मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे, लेकिन जो खुददारी मैंने इनमें देखी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपसे पैसे मांग लिए। माँ ने मना भी किया था, लेकिन मुझे लगा शायद आप मेरी बात समझेंगे। माँ, आपने सचमुच बहुत अच्छा किया कि आपने ये पैसे नहीं लिए। I'm sorry mom, आपको ऑल द वे यहाँ आना पड़ा और अपना टाइम वेस्ट करना पड़ा। साक्षी मॉम प्लीज, थैंक्स फॉर कमिंग। तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले जितनी जिद्दी थी आज भी उतनी ही जिद्दी हो। एनीवेज मैं जा रही, लेकिन मैंने करण को जो ऑफर दिया है एक बार उसके बारे में ठंडे दिमाग से जरूर सोचना। बाय माँ। बाय। बाय बेटा। दिन का जोड़ के मैंने एक घर बनाया था, प्यार के डोरी से आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ, वो तेरी माँ है, उसकी कोई गलती नहीं है। इतने ड्रामे के बाद भी इतना प्यार? अभी तो असली ड्रामा शुरू होने वाला है, फिर मैं तुम्हारी खुददारी देखूंगी शारदा मोदी। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुरियर। माँ, मैं पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। कितने सारे खर्चे हैं, वेंडर्स को पैसे देने हैं, फैक्ट्री का रेंट देना है, सारे कपड़े जो खराब हो गए, नए कपड़ों का ऑर्डर देना है। माँ, कैसे होगा ये सब? शारदा मैम, बैंक से लेटर आया है।
फैक्ट्री का ईएमआई ड्यू है। इसे खोलने की क्या जरूरत है? वो मुझे लगा कितनी बार कहा है तुमसे अपने काम से काम रखो। माँ मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। आपने तो नोटिस किया होगा ना जब से ये हमारी फैक्ट्री में आई है तब से कुछ ना कुछ गलत हो। माँ प्लीज मेरी बात मानिए और इसे यहाँ से निकालिए प्लीज। बेटा गलती इसकी नहीं है गलती तो मेरी किस्मत की है। माँ I'm sorry ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं इस वक्त हमारा बैंक जाना जरूरी है हमें एक्सटेंशन चाहिए ना। माँ चलिए नेहा मैं क्या कह रही थी पहले जब मैंने इस फैक्ट्री को ज्वाइन किया था ना तो मैं बहुत खुश थी। आई मीन ये फैक्ट्री है तो बहुत छोटी पर शारदा मैम के बड़े बड़े इरादे देखकर मुझे लगा था हम सब बहुत आगे जाएंगे पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ शनाया मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे शारदा जी दिल की बहुत अच्छी हैं और उनके अंदर काम करने का हौसला भी बहुत ज्यादा है लेकिन जब किसी का वक्त ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है ना। पर तुम सब लोगों ने भी तो देखा ना जब साक्षी की माँ पैसे लेकर आई थी तो शारदा मैम ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब तो शारदा मैम के पास कोई पैसा नहीं है और बैंक भी उन्हें लोन की अमाउंट नहीं देगा ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और हाँ शारदा मैम ने इस बार का ईएमआई भी नहीं भरा मुझे तो लगता है ये फैक्ट्री अभी बंद हो जाएगी बहुत जल्द। तो क्या हुआ लेकिन हम शारदा जी का साथ नहीं छोड़ सकते उन्होंने बुरे वक्त में हमारा हाथ थामा था तो फिर हम इनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल हम उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। हाँ सच तो ये है ना कि मैं भी शारदा मैम का साथ नहीं छोड़ना चाहती लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं भी मजबूर हूँ मुझे भी पैसे चाहिए ना घर का रेंट भरना है माँ को भी पैसे भेजने होते हैं और फिर दादी भी बीमार है मुझे तो हर हाल में पैसे कमाने हैं। अब देखो ना शारदा मैम तो हमें सैलरी भी नहीं दे पाएगी ऐसे में कैसे चलेगा मैं तो इस तरह काम नहीं कर सकती। एनीवेज अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप लोगों के लिए ठीक है लेकिन मैं नहीं मुझे तो पैसे चाहिए कुछ ना कुछ तो करना होगा मजबूरी है ना मेरी। हाँ चलाना पैसे तो हमें भी चाहिए घर चलाना है बच्चों का स्कूल है और अगर पैसे ही नहीं होंगे ये सब कैसे होगा। हाँ मैं भी वही कह रही थी। तो फिर शनाया अब तुम क्या करोगी? पता नहीं क्या करूंगी पर कुछ तो करना होगा ना। मैंने सुना है कि वो पल्लवी टेक्सटाइल्स है ना उन्हें वर्कर्स की जरूरत है मैं सोच रही हूँ कि वही अप्लाई करूँ। हाँ नेहा मुझे लग रहा है कि सनाया बिल्कुल सही कह रही है ऐसा कब तक चलेगा पैसों की जरूरत तो हम सबको है ना। हाँ सची तो है। जा रही हो तुम? वो मैं बस अभी वापस आ रही हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है काम करो ना। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे हमेशा लगता है ये लड़की ठीक नहीं है। हाँ डॉल मॉम आपकी डॉल के पास ना आपको देने के लिए गुड न्यूज है। रियली क्या? हाँ मॉम
यहाँ के फैक्ट्री के सारे वर्कर्स ना बहुत डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि शारदा उन्हें सैलरी नहीं दे पाएगी। मैं उन सबको ना आपके पास भेज रही हूँ। ओके मॉम, वो बहुत डेस्परेट है नौकरी के लिए, सो प्लीज लुक आफ्टर इट। ओके आई सी। ओके बाय। ओके मॉम, बाय, लव यू। शारदा, कहते हैं जिद बहुत बुरी चीज होती है, अब देखो ना मेरी जिद तुम्हारे लिए कितनी बुरी साबित हो गई है। क्या करोगी, कैसे अपना काम पूरा करोगी?